विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता पवन त्यागी ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। भगवानपुर विधानसभा से कांग्रेस के नेता पवन त्यागी ने अपने समर्थकों के साथ भगवानपुर विधानसभा के पूर्व राज्य मंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य सुबोध राकेश के नेतृत्व में किसान सशक्तिकरण संगोष्ठी में किसान बिल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। सुबोध राकेश ने कहा कि किसान बिल के समर्थन में क्षेत्र के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर उनका हार्दिक अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि किसान बिल के समर्थन में है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 10 साल से वो पार्टी ईमानदारी काम नहीं करती। नहीं, ईमानदारी से काम नहीं, उसके उसमें कार्यकर्ता की जो है, जो मेन कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता, उसकी कुछ नहीं आए हैं। और जो किसान हैं वो लगातार अपने धरने प्रदर्शन पर हैं, पर उनसे वार्ता की गई है, लेकिन उसके बाद वहाँ से नहीं हटने को तैयार है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कांग्रेस पार्टी से आए वो सभी सम्मानित किसानगण, पवन त्यागी जी और उनकी पूरी टीम, भगवानपुर विधानसभा के हमारे सम्मानित साथी हैं। ये मोदी जी के जो उन्होंने बिल हमारे लिए किसानों के लिए बनाया है, उसको समर्थन करने के लिए पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। हम इनका भव्य यहाँ पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मोदी जी की विचारधाराओं से आज प्रत्येक व्यक्ति जुड़ता जा रहा है, ये देश मोदी जी के सिस्टम से, उनके करे गए कार्यों के माध्यम से, उनके पीछे चलने का पूरी तरह से सर्व समाज अब काम कर रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसान जो ये विरोध हो रहा है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोध है। और निश्चित रूप से वो जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। और विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो अपने आप को किसान हैं, मानते हम किसान हैं, लेकिन वो विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो आम किसान है हिंदुस्तान का, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे अन्य प्रदेशों की बात हो, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। एक दो प्रदेश के अलावा कहीं किसान इस बिल के विरोध में नहीं बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान समर्थन में है, क्योंकि किसानों के हित में मोदी जी ने एक बिल बनाया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत उनका करता हूँ। सरकार लेकर आई है उनको समर्थन देने के लिए, कुछ लोग जो दूसरी पार्टी में थे वो आए हैं यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए और अपनी सहमति प्रकट करने के लिए कि केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं वो किसान हित में हैं, किसान के हित के लिए बनाए गए हैं। आज वो इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं। कितने लोग आज आए हैं इसमें उस पर? ये इसमें जो लोग बैठे हुए हैं सामने, लगभग 50-60 लोग इस तरह के हैं जो अपना समर्थन देने आए हैं उन बिलों के पक्ष में।